नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त राहुल मजुमदार। किशलाई आर्ट स्कूल के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके सामने आज आर्ट एंड आर्टिस्ट वाले जो सेगमेंट है उसको लेके हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा ग्रेट आर्टिस्ट और उनके द्वारा किए गए कुछ ग्रेट वर्क्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो की विषय कुछ अनोखा है और इसके आर्टिस्ट अभी तक अननोन है, बट फिर भी ये एक ग्रेट वर्क है। किसी ना किसी आर्टिस्ट ने तो इसको किया है और जिसने इसको किया है उसका क्रिएशन भी बहुत लाजवाब है, जो आज तक 1500 साल बीतने के बाद भी लगभग आज भी उतना ही पैशन क्रिएट करता है, उतना ही ट्रेमेंडसली, उतना ही आकर्षण क्रिएट करता है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ भारत में स्थित ये अजंता की आर्ट का। अजंता केप्स एक अनोखा नाम है जिसको सुनते ही हमें लगता है कि हम अतीत के कुछ पन्ने उलट के बहुत दूर जा चुके हैं और वहाँ से हम आर्ट और शिल्पकला के बारे में कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिस पेंटिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो एक फ्रेस्को पेंटिंग है, वो है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। यहाँ पर इस बड़े वाले नाम में कुछ अनोखा विषय छुपा हुआ है। यहाँ पर पद्मपाणि मीन्स पद्म, पद्म मीन्स जो लोटस होता है, और यहाँ पर दूसरा जो पानी है उसका अर्थ है जो इसको थामे हुए है। यहाँ पर बुद्ध की जो जातक वाले जो कहानियाँ हैं उन सभी को लेकर के बौद्धिस्ट मॉन्क्स इन गुफाओं के अंदर कुछ क्रिएट किए थे। वो स्कल्पचर था, पेंटिंग था, सभी था, और फ्रेस्को में पेंटिंग किया गया था। दोस्तों, ये आज की दौर की बात नहीं है, लगभग 1500 साल पहले की बात है। तब जो क्रिएटर था, जो ड्राइंग करते थे, जो स्कल्पचर करते थे, उनमें इतना ज्ञान तब मौजूद था कि वो एक निर्जीव पदार्थ में भी जान डाल सकते थे। जैसे कि चित्र को ऐसा उन्होंने बुना, ऐसा कलर, ऐसा रिदम दिया है जो कि एक अनोखी बात है, और जिससे ये चित्र अब वास्तव में हम लोगों के सामने उभर के आने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ पर रॉ शाइना, रॉ अम्बर, बर्नट अम्बर, ऐसे किस्म के कलर्स, येलो और लेपिस लेजुली जिसको ब्लू बोलते हैं, ये सभी कलर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर लाइन ड्राइंग में बहुत बढ़िया जोर दिया गया है, और बुद्ध के जातक कहानी के बीच में यहाँ पर ये वाले जो अवलोकितेश्वर पद्मपाणि है, इसका अर्थ है बोध, जिसको बोधि मिल चुका है, जिसको सर्वस्व ज्ञान मिल चुका है, फिर भी वो अपने आप को निर्वाण के लिए अभी भी प्रस्तुत नहीं किया है। कारण उसका मानना था कि जब तक मैं अपना ज्ञान दूसरों के बीच ना बांट सकूं, जब तक दूसरों को इस महान ज्ञान यानी निर्वाण के अर्थ को ना समझा सकूं और उस पे चलने का राह ना बता सकूं, तब तक मैं निर्वाण ना लूंगा। इसी संकल्प से बोध अपना धर्म प्रचार किए थे। और यहाँ पर देखा जाता है इस पेंटिंग में मिडल में जो फिगर है वो एक लोटस को पकड़े हुए हैं, और उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे समाज से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, और यहाँ पर देखिए ड्रामास चल रहा है, लौकिक सेरेमनी चल रहा है, और एक अनोखी बात, सभी चीज़ अपने हलचल में, सामाजिक हलचल में विपरीत है। पर यहाँ पर मेन फिगर जो है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि, उसको देखिए, वो निश्चल है, उसके दोनों आँख बोल रहे हैं कि पीछे या आगे समाज में जो भी हो रहा है उन सभी का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। वो एक अद्भुत सी लोटस की ओर देख रहा है, जिससे पता चल रहा है कि उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान की जो रोशनी है उसमें वो नहाना चाहता है। उसके सर पर देखिए एक बहुत सुंदर सी रत्न जड़ित मुकुट है, वो मुकुट उसका जो बड़ा वाला हिस्सा है इस पेंटिंग का वो दर्शाता है। इसमें उसका जो
एटीट्यूड है उसको दर्शाता है, पर फिर भी वो निश्चल है। यही है इस पेंटिंग की सबसे बड़ी आवाज। और यहाँ पर हमें हैरानी होता है कि जिस भी पेंटर ने इसको पेंट किया है, ये इस लाजवाब शिल्पकारी को वास्तव में रूप दिया है। वो गुफा के अंदर इतने अंधकार में कैसे इस काम को किए थे और कैसे इतने छोटी छोटी डिटेलिंग जो बैकग्राउंड में है उसको कैसे उभार के सामने लाए थे, ये अभी भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हज़ार लाइट भी जला दे तो भी इस गुफा के अंदर इतना रोशनी ना पैदा हो सके कि जिसको देख के वो इतने डिटेल वर्क कर सकें। तो उनके काम इसलिए ही सराहा गया है और आगे भी सराहा जाएगा। और यहाँ पर ये फ्रेस्को इतना बढ़िया तरीके से, मान लीजिए यूरोप में फ्रेस्को बहुत बाद में आया था जब लियोनार्डो दा विंची और उनके टाइम, उनके लगभग करीब के टाइम फ्रेस्को आया था यूरोप में, बट 1500 साल या कहे कि उससे भी आगे की टाइम में कैसे भारत में ऐसा फ्रेस्को की इजाद हुआ है। वॉल, और यहाँ पर ये वॉल है एकदम पत्थर का, और पत्थर का सख्त वॉल में कैसे फ्रेस्को किया जाता है वो टेक्निक तब के भारतीय चित्रकार को मालूम था। तो यही चीज़, यही सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, आप लोग भी अगर इस चित्र के बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल की शलाई आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आगे जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो पहले आपको ज़रूर वो वाला वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, आशा रखते हैं मेरे चैनल की शलाई आर्ट स्कूल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि दूसरों को भी ये राह मिले कि पेंटिंग, ड्राइंग और स्कल्पचर के बारे में कुछ जानना और उस धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। नमस्ते।